सब्सक्राइब कीजिए नायक टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी के लिए। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है जो जियो फोन F30C जो मॉडल है, तो इसका मैंने फ्लैशिंग किया था और फ्लैशिंग करने के बाद ये तुरंत डेड हो गया था। तो मुझको ये दूसरा बार फ्लैशिंग करना पड़ा। फ्लैशिंग करने के बाद मेरा जो IMEI नंबर है वो IMEI नंबर पूरी तरीके से चला गया था। तो IMEI नंबर जाने के बाद मैंने ये जो फ़ोन है ये फ़ोन को फिर से फ्लैश किया और जो प्रोसेस मैंने अप्लाई किया, अभी जो नया सिक्योरिटी आ रहा है जियो फ़ोन में, तो नया सिक्योरिटी आने के बाद बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि इसका जो डायग्नोस्टिक ड्राइवर है वो नहीं पकड़ रहा है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर से मैंने फ्लैश किया, रिपेयर माई मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है, मैं उसको क्रेडिट देना चाहूँगा, रिपेयर माई मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर मेरे फ़ोन पर अभी चल रहा है। तो उन लोगों को मेरे दिल से हार्दिक बहुत धन्यवाद। और दूसरा जो चीज़ है, ये प्रोसेस आपको कैसे फॉलो करना है और कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए अब शुरू किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्वालकॉम का जो सॉफ्टवेयर है यानी कि उसका जो ड्राइवर, ये सभी मैं अपना सिस्टम में इंस्टॉल कर चुका हूँ। और दूसरा वाला जो चीज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा क्यू फिल जो होता है यानी कि जो क्वालकॉम वाला CPU को फ्लैश करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बिन मिलेगा, बिन का जो फोल्डर है उसमें जाके क्यू फिल करके एक exe फाइल मिलेगा, उसको ओपन करना है। उसके बाद ही आपका फ्लैशिंग फाइल और फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद ये ओपन होगा। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आज का जो वीडियो है, अगर आपके पास कोई जियो फ़ोन है, जियो फ़ोन का कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुआ है, सॉफ्टवेयर करने के बाद आप देख रहे हो कि आपका जो IMEI नंबर है वो करप्ट हो चुका है यानी कि 0 दिखा रहा है और इनवैलिड दिखा रहा है, तो ये जो वीडियो है उसका सोल्यूशन के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर जियो फ़ोन का IMEI नंबर क्रैक हो जाता है, मेरे पास जो मॉडल है इसी मैं आगे जाके दिखाने वाला हूँ उसको, तो वो वाला मॉडल का जो IMEI नंबर है वो IMEI नंबर मेरा करप्ट हो गया था। तो ये आपका फ्लैशिंग टूल जो है, फ्लैशिंग टूल ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैट बिल्ड और मेटा बिल्ड है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, फ्लैट बिल्ड में क्लिक करना है। और फ्लैट बिल्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, प्रोग्रामिंग फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से मेरे पास F30C का पहले से ही प्रोग्रामिंग फाइल जो है वो डाउनलोड मैंने कर चुका है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग फाइल मिलेगा मुझको, प्रोग्रामिंग फाइल को मैं सिलेक्ट करूँगा, ये आप देखिए। उसके बाद यहाँ पर लोड XML करके लिखा हुआ आता है, लोड XML फाइल को आपको सिलेक्ट करना है, ऊपर वाला जो फाइल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद ऊपर वाला फिर से एक फाइल मिलेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो है देखिए मेरे पास का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो सेटअप है ये आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो सेटअप डाला हुआ है सेटअप वही होना चाहिए। अगर ये सेटअप थोड़ी सी भी गलत हो, थोड़ा सा भी अगर गलत हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टूल्स का जो ऑप्शन है, मैं टूल्स का ऑप्शन पर जाऊँगा, टूल्स का जो ऑप्शन है, टूल्स का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक QCN फाइल भी है जो बैकअप फाइल होता है हमारा जो IMEI नंबर है उसका, तो वो फाइल भी मेरे पास है F30C का। तो मैं वो उसको सिलेक्ट कर दूंगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं जस्ट कैंसिल करूंगा। और फिर देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये जो फाइल है मैं डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये दोनों फाइल भी आगे जाके काम में आएगा। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको फ़ोन को कनेक्ट करना है, वो भी डाउनलोड मोड में, ठीक है। QDL जो होता है, देखिए मेरे पास जो फ़ोन है, फ़ोन का बैटरी को आपको ओपन करना है। ये देखिए F30C जो मॉडल नंबर है, F30C यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ़ोन का बैटरी को फिट करना है। और ये जो आपका देखिए मेरे पास USB केबल भी है, तो ये कनेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है, मैं यहाँ पर जो पोर्ट लेता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ऊपर वॉल्यूम अपर और वॉल्यूम डाउन का जो बटन होता है यानी कि उसको एक साथ दबा के रखना है और USB केबल को आपको प्लग इन करना है। ये देखिए थोड़ा सा ब्लिंक होके ही चला गया जियो। अभी यहाँ पर आप देखिए एक ड्राइवर शो होगा, क्वालकॉम का जो ड्राइवर होता है डाउनलोड वाला ड्राइवर, वो ड्राइवर मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर शो होगा वो, ये देखिए पोर्ट्स और में क्या दिख रहा है, QD लोडर जो है वो ड्राइवर ले चुका है और यहाँ पर भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। पहले नहीं दिखा रहा था, नो पोर्ट अवेलेबल दिखा रहा था। अभी फिर से आपको डाउनलोड में क्लिक करना है। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद
हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा समय लगता है। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये प्रोसेस आपका फेल होता है, यानी कि अगर प्रोसेस आपका नहीं चल रहा होता है, तो प्लीज़ जो फाइल है, फाइल को एक बार चेक कर लीजिए। अगर फाइल में कोई करप्शन होता है, और ये वाला क्यू फिल जो टूल है, इसमें अगर करप्शन होता है तो ये प्रॉब्लम बहुत बार आता है। लेकिन अगर ये फाइल और मेरे वाला जो F30C फोन है, उसमें अगर अब डालोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट होने के बाद ही तुरंत एक चीज़ आपको करना है, वो आपको ध्यान से माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है? ये फ्लैशिंग जो है, कंप्लीट होने के बाद तुरंत ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप, सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो अभी ये जो फोन है, ये ऑन होने के एकदम बीचों बीच आपको क्या करना है, इसमें IMEI नंबर पुट कर देना है, ठीक है? तो मेरे पास IMEI नंबर का, IMEI करने के लिए एक टूल है। मैं पहले से ही IMEI नंबर कॉपी करके नोट पैड में रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला IMEI नंबर को कॉपी करूँगा और ये वाला जो टूल है, ये टूल में इसको डालूंगा। देखिए, ये वाला जो टूल है, ये IMEI रिपेयर करने के लिए है। ये दिखा रहा है कॉम्पोर्ट। तो अभी यहाँ पर IMEI नंबर दोनों पे ही सेम देना है आपको, और फिर स्टार्ट का बटन दबा देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर IMEI नंबर आ गया है और पास लिखा हुआ आ गया है। तो आपका IMEI नंबर पूरा आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक करके एक जो हमारा ड्राइवर है वो ले रहा है। तो डायग्नोस्टिक ड्राइवर जो है, ये हर वक्त नहीं आता है। पहले वाला अगर अपडेट नहीं होता था तो वो चालू होने के बाद भी आता था, लेकिन अभी अपडेट के बाद जो भी फोन आ रहा है जियो फोन में, ये डायग्नोस्टिक जो है, डायग्नोस्टिक मोड जो है, उसको ऑन करने का और कोई तरीका नहीं है अभी। तो मैंने बहुत ट्राई किया, उसके बाद ये सेटअप करने के बाद मुझको ये डायग्नोस्टिक थोड़े देर के लिए, यानी कि 30 या 40 सेकेंड्स के लिए मुझको अवेलेबल मिलता है। और उसी टाइम में आपको वो IMEI नंबर उसमें पुट कर देना है, IMEI नंबर उसमें फ्लैश कर देना है। तो ये बहुत ही जल्दी आपको करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, तो आपका जो IMEI नंबर है, वो IMEI नंबर आप पुट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो देखिए, ये मेरा जो फोन है अभी रेडी हो चुका है, और यहाँ पर IMEI नंबर भी मैंने आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, IMEI नंबर भी आ चुका है। ये देखिए, IMEI नंबर भी आ चुका है। अभी मेरा फोन पूरी तरीके से रेडी है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको एक बार और चीज करना पड़ेगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जियो का जो सिम है, जियो का सिम डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन IMEI नंबर अगर चला जाता है आपका, तो नेटवर्क रिलेटेड इशू आता है, नेटवर्क नहीं आता है, नेटवर्क नहीं पकड़ता है। तो ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन यहाँ पर IMEI नंबर अभी हो चुका है। तो देखिए, एक चीज़ जो टाइम है ना, वो टाइम आपको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। हमेशा फ्लैश होने के ही आपको वो जो कॉपी करके रखा हुआ आपका IMEI नंबर है नोट पैड में, उसको कॉपी करके फिर से वो जो IMEI टूल है उसमें पेस्ट करके डालना पड़ेगा। आपके पास 20 to 25 सेकेंड्स मिलेगा, वो IMEI नंबर और डायग्नोस्टिक जो आपका पोर्ट है वो अवेलेबल रहेगा 20 to 25 सेकेंड। उसके अंदर ही आपको ये डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका IMEI नहीं हो पाएगा। फिर से आपको दोबारा वो प्रोसेस करना पड़ेगा, और फिर से आपको करना पड़ेगा। और कोई भी तरीका नहीं है डायग्नोस्टिक जो हमारा ड्राइवर है उसको एक्टिवेट करने का। फिलहाल अभी ये मैं बना रहा हूँ 2020 साल में है। ये देखिए, नेटवर्क भी आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा है, ठीक है? तो थैंक यू, ये वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये पूरा प्रोसेस, तो इसमें आपको बहुत जल्दी तरीके से IMEI नंबर पुट करना पड़ेगा। और रिपेयर माई मोबाइल का जो भी लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरा जो चीज़ है, ये जो F30C मॉडल है, ये जो फाइल और सॉफ्टवेयर वगैरह है, ये F30C मॉडल के लिए ही है। दूसरा कोई भी मॉडल पे ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो दूसरा, अगर आपके पास क्वालकॉम CPU वाला कोई भी जियो फ़ोन है, तो उसमें ये प्रोसेस ज़रूर काम करेगा, लेकिन आपका जो फाइल है, वो फाइल अलग तरीके से डाउनलोड करना पड़ेगा, अलग फाइल होगा। और दूसरा, जो स्पेक्ट्रम का CPU है, उसका अगर IMEI प्रॉब्लम है, तो अगर आपको को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं स्पेक्ट्रम वाला CPU का कैसे IMEI नंबर रिपेयर किया जाता है, वो भी मैं डालने वाला हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास जो फ़ोन है अभी पूरा वर्किंग कंडीशन में है। अगर आप लोगों का कोई भी तकलीफ़ होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।
मैं आशा रखता हूँ इन फ्यूचर आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।